देखो इसमें क्या करते हैं, पहले हम लोग कंसिडर करते हैं एक पॉलीमर सॉल्यूशन जो है वो कंसिडर किया जाए। इस पॉलीमर सॉल्यूशन को जब इसको हम सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डालते हैं डालकर डाली तो इसमें मैक्सिमम या वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड इन्फ्लुएंस होता है। देखो सिंपल चीज ये क्या बोल रहा है, ये होते हमारे सेंट्रीफ्यूज मशीन, इस सेंट्रीफ्यूज में ऐसा टेस्ट ट्यूब फंसा रहता है, पॉलीमर सॉल्यूशन इसमें ऐड कर दिए, ठीक है, पॉलीमर सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो ये ऐसा भरना रहेगा। देन ये क्या होगा, जब इसको रोटेट कराएंगे तो रोटेट कराएंगे तो इतना रोटेट कराएंगे कि उस रोटेशन के कारण से यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है। इन्फ्लुएंस हो जाता है मतलब किसी दूसरे के कारण से वो उत्पन्न होना, इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंस। जैसे इसको रोटेट कराते हैं, तो रोटेट कराते चलेंगे ऐसा सा, सबके कारण से ये क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। मतलब पहले से उस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था लेकिन हम उसको रोटेशन करा रहे हैं, रोटेशन कराने के कारण से उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स उत्पन्न हो रहा है, इस वर्ड को हम इन्फ्लुएंस कहते हैं, ठीक है। उसमें बताया था कि कोई भी पॉलीमर सॉल्यूशन है अगर वो स्थिर है तो उस पर किसी भी प्रकार का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, या क्या बोले थे ग्रेविटी क्या था, गुरुत्वीय त्वरण जो है वो जीरो होता है, या किसके बराबर होता है बोले थे, तो पॉलीमर के किसके बराबर होते हैं लिखे थे, देखो तो पॉलीमर के शुरू की यहाँ यहाँ इधर इधर कि जब सेडिमेंटेशन शुरू किए थे किसके बराबर होता है, द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन सस्पेंडेड पार्टिकल्स अंडर द एक्शन ऑफ अ वेरी स्मॉल ग्रेविटी जो है वो वेरी स्मॉल हो रहा था, ऐसा बोले थे इसके लिए सेडिमेंटेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे देखो अब क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड अप्लाई हो गया या ग्रेविटी फील्ड अप्लाई हो गया, अप्लाई हुआ तो अब सेडिमेंटेशन रेट जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, समझ में आया। मतलब नॉर्मल केस में सेडिमेंटेशन रेट लो होता है क्योंकि वहां पे ग्रेविटी भी लो होती है, लेकिन वही पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स इन्फ्लुएंस हो गया, इन्फ्लुएंस हुआ इसका मतलब है वेरी स्ट्रॉन्ग रूप से इन्फ्लुएंस हो रहा है, इसके कारण से सेडिमेंटेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसको कंसीडर किया जा सकता है। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्शन ऑन द सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑफ मास m एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन इज m ओमेगा r। माना कि सॉल्यूट का मास स्मॉल m है तथा डिस्टेंस r है, तो सेंटर ऑफ रोटेशन के बेस पर हम m ओमेगा स्क्वायर r लिख सकते हैं, जहां पर
जहां पर ओमेगा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी किसका, तो किसका वेलोसिटी होगा, तो अब इसे बोल रहे हैं ऑफ द रोटर इन रेडियन पर सेकेंड, ऑफ अ रोटर इन रेडियन, रेडियन में ले रहा है ना इसको, रेडियन पर सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी है ये चीज यहाँ पे क्या बताया, तो देखो सेंटर ऑफ रोटेशन एक्सिस ये होगा, सेंटर ऑफ रोटेशन एक्सिस, यहां से इसको हम रोटेट करा रहे हैं, तो रोटेट करा रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ जो मास पॉलीमर सॉल्यूशन है उसमें जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट का जो मास है वह कितने के बराबर है, तो कैपिटल सॉरी स्मॉल एम के बराबर है, साथ में इस सेंटर ऑफ रोटेशन से इसकी जो दूरी है यह दूरी कितनी है, आर की एक्स, ठीक है, यह दूरी कितनी है आर, क्लियर है, तो वही चीज बोल रहा है कि यहाँ पे माना कि जो सॉल्यूट का मास है वो एम है तथा डिस्टेंस जो है वो आर है, तो सेंटर ऑफ रोटेशन के बेसिस पर हम एम ओमेगा आर फॉर्मूला यहाँ पे दे सकते हैं या लिख सकते हैं, जहां पे ओमेगा क्या है, तो ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग रोटर इन रेडियन पर सेकेंड। अब देखो एंगुलर वेलोसिटी को हम इस यूनिट में ले रहे हैं, ये है हमारा यूनिट, जैसे लंबाई का मात्रक होता है सेंटीमीटर मीटर, लिख सकते हैं ऐसा लिखा जा सकता है, आर लिखा जा सकता है, इसके लिए इक्वेशन ये अप्लाई किए कि इसका यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, इसका मास इतना है, फोर्स को ऐसा लिखा जा सकता, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फोर्स ऑफ एक्शन, मतलब उस पर क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्शन हो रहा है उस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, ओम एम ओमेगा स्क्वायर आर से उसको लिखा जा सकता है, हाँ लिखे थे पहले, तो वहां पे हम लोग मास कंसीडर नहीं किए थे, मास कंसीडर नहीं किए थे ना पॉलीमर का, हाँ अब यहाँ पे हम पॉलीमर का मास भी कंसीडर कर रहे हैं कि इसका मास इतना है और इसके बेसिस पर इसको हम कैसे हल करेंगे ये बता रहे हैं, पहले ओमेगा आर स्क्वायर लिखे थे ना, ओमेगा स्क्वायर आर ये लिखे हैं, अच्छा डिस्टेंस को एक्स से जीरो किया, हाँ यहाँ पे क्या दे रहे हैं हम लोग, एक्स की जगह पे आर दे रहे हैं, हाँ उसका जैसे ये रेडियस हो गया उसका, कहने का मतलब ये गोलाई में घूमेगा, अब गोलाई में घूमेगा तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, ये उसका रेडियस हो गया, वही इसीलिए उसको जो है यहाँ पे हम लोग क्या दे दिए हैं आर दे दिए, क्लियर है ये चीज, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो माना कि जो सॉलिड का मास एम है, डिस्टेंस आर है, तब सेंटर ऑफ रोटेशन के बेसिस पर हम एम ओमेगा स्क्वायर आर जो कि होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ एक्शन को लिखा जा सकता है, जहां पे ओमेगा जो है वह क्या होगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटर इन अ रेडियस पर सेकेंड, और इसका जो यूनिट होगा इतने का वो क्या होगा रेडियन पर सेकेंड होगा, ठीक है, तो ये होता है हमारा रेडियन पर सेकेंड, बोलो इतना क्लियर हुआ, अच्छा क्लियर है उसको समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि आर किसको दिए, कहां से दिए, सेंटर ऑफ रोटेशन कौन सा है और क्या अप्लाई हो रहा है, इस चीज को देखने के लिए हमको तो देना पड़ेगा ना, तो ये पैडल है क्योंकि हमारे पास देखे होंगे लेफ्ट में पैडल वाला है, इसलिए मैं सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल मशीन को पैडल वाला कर दिया, पैडल को घुमाओगे जितना घुमाओगे वो उतना ज्यादा रोटेट होते चले, ठीक है, और रियल में मशीन जो है वो ऐसे ही रहता है लेकिन पैडल की जगह पर वहां पे मोटर लग रहा है, तो मोटर लग रहा है, हाँ
वो आ रहा है नीचे, उसे इक्वेशन लिखेंगे ना। ये तो अभी हम लोग पॉसिबिलिटी बताएंगे कि हम ऐसा है, ये माने इसके नीचे आ रहा है वही। इसमें देखो और क्या बोलता है, द पार्टिकल इज आल्सो सब्जेक्टेड टू अ क्या है बाइंड फोर्स इज एडिशन टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इस पर क्या करते हैं, पार्टिकल में एक फोर्स और होता है बाइंड फोर्स, ठीक है। तो यहां पे आगे हम लोग बोलते हैं कि पार्टिकल्स में पार्टिकल्स इज आल्सो सब्जेक्टेड टू अ बाइंड फोर्स इन एडिशन टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सो दैट द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस। हां तो देखो अब क्या होता है, तो पार्टिकल में होता है हमारा बॉयड फोर्स, बॉयड फोर्स, और ये जो बॉयड फोर्स है इसका एडिशन जब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ कर देते हैं, के साथ कर देते हैं, तब हमें रिजल्टेंट फोर्स प्राप्त होता है जिसे हम इस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर, जिसे हम इस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन से फॉर्मूला से, इसके लिए फॉर्मूला हम दे सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स, देखो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू होता है क्या, तो ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स माइनस बायोन फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स माइनस रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम डाले हैं उस पर बाइंड फोर्स जो कि पार्टिकल के द्वारा लगाया जा रहा है उसको माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा रिजल्टेंट फोर्स, और इसको हम लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमको प्राप्त होगा एम ओमेगा स्क्वायर, या फिर यहाँ पे अच्छा एम ओमेगा स्क्वायर ये हो गया कौन सा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स माइनस बॉयड फोर्स जो है वो हो रहा है हमारा एम एस ओमेगा स्क्वायर आर, एम एस ओमेगा स्क्वायर आर इसके बराबर होता है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि यह हमारा हो गया रिजल्टेंट फोर्स को हम इस फॉर्मूला के द्वारा दे सकते हैं। बॉयड फोर्स पार्टिकल के द्वारा लगाया गया वो बॉयड नामक साइंटिस्ट ने दिया था, तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब जो पार्टिकल को नीचे बैठा होगा नहीं, मशीन के द्वारा अप्लाई करने पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो सेंट्रीफ्यूगल का जो फोर्स है उसका कार्य वही तो होता है ना। हां कार्य वो होता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब वो रोटेट हो रहा है उसके कारण से जो फोर्स उत्पन्न होगा वो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब बाइंड फोर्स होता है कि जो पार्टिकल्स हैं, जैसे पार्टिकल्स हैं ये, तो इसमें क्या होगा बाइंड मतलब बंधन, मतलब वो आपस में जिस तरह से बंधे हुए हैं, अब देखो उसको नीचे बिठाना है तो नीचे बिठाना है तो क्या होगा रोटेट करेंगे तो वो क्या होगा उसके बीच में जो आकर्षण बल है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कहने का मतलब बाइंड फोर्स को तोड़ देगा, तोड़ेगा तो क्या होगा इतना मान लो इतने दूर दूर है वो उसको पास लाएगा तभी वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा। जैसे सिंपल सा शक्कर को तुम क्या करते हो बोलते हो तो बोलते हो धुंधला दिखते रहता है, लेकिन एक घंटे या दो घंटे बाद देखते हो सब के सब नीचे बैठ जाता है पूरा क्लीन हो जाता है,
ठीक है। तो क्या हुआ उस कंडीशन में, देखो जल्दी हमको करना है कि सेंट्रीफ्यूज मशीन उसको डाल देंगे, डालेंगे तो क्या होगा उसके पार्टिकल्स दूर दूर फैले हुए हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो होगा हमारा बाय फोर्स। जैसे ही हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा जो बायंट फोर्स होगा वह क्या बोलना चाहिए लेस डोमिनेंट हो जाएगा। लेस डोमिनेंट क्यों? क्योंकि उसको हम लोग रोटेट करके जा रहे हैं, तो लेस डोमिनेंट होगा मतलब उस फोर्स को वह तोड़ देगा, किस फोर्स को? बायंट फोर्स को, और वो पास ही आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण से वो पास आ जाता है। मतलब एक प्रकार से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अपोजिट काम करता है हमारा बॉयंट फोर्स, क्लियर है। लेकिन क्या होता है कि बॉयंट फोर्स जो है वह थोड़ा लेस कैटेगरी का होता है, लेस कैटेगरी का नहीं मतलब उसका जो इफेक्ट है वो कम होता है, इसलिए वह क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हार जाता है। तो हार जाता है मतलब ये कि इसमें कुछ ना कुछ तो इसके इफेक्ट होगा, इसलिए इसको यहाँ पे घटाएंगे, क्लियर है। जिसको घटा देंगे तो हमको रिजल्टेंट फोर्स जितना लगेगा वो हमको प्राप्त हो जाएगा, क्लियर है। तो बाइंड फोर्स मतलब सिंपल सा है कि सिंपल से ये बोल सकते हो कि मॉलिक्यूल्स के बीच में एक दूसरे से दूर रहने की जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं बाइंड फोर्स, क्लियर है। तो ऐसा हम लोग इसमें डिफाइन कर सकते। आगे इसमें देखें तो क्या बोलता है MS क्या होता है, ये इसको इक्वेशन दे देते हैं हम लोग वन, इससे पहले वाली इक्वेशन थोड़ी लिए थे। तो वेयर ms इज अ मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड सॉल्वेंट। देखो यहां पे क्या है, तो वेयर बोलता है ms ये होता है मास ऑफ डिस्प्लेस्ड सॉल्वेंट। तो डिस्प्लेस्ड सॉल्वेंट किसको बोलेंगे, तो देखो तो इसका मास कैसे बताया था, तो ये देखो पहले की स्थिति में कितने दूर दूर पर ये है, मतलब जो सॉल्वेंट होगा वो इस प्रकार से होगा दूर दूर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिस्प्लेस्ड मतलब अपने प्लेस में तो ये पास पास होने चाहिए थे, इससे ये डिस्प्लेस्ड हो चुका है, तो ये दूरी दूर दूर है, तो इसका मास को हम लोग दिखाएंगे एमएस से, क्लियर है। जैसे ये पार्टिकल्स है नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होना चाहिए जैसे शक्कर का मॉलिक्यूल है वो आपस में जुड़े हैं, लेकिन घोलोगे तो क्या हो जाता है वो टूट करके सॉल्वेंट के कारण से दूर दूर हो जाएंगे, तभी हमको धुंधला दिखते रहता है। अब ये क्या होगा, तो इसके बीच दूरी है और तब की कंडीशन में इसका जो मास निकालेंगे हम यही होगा हमारा क्या मास ऑफ डिस्प्लेस्ड सॉल्वेंट, क्लियर है। किसके सॉल्वेंट के द्वारा जो डिस्प्लेस्ड मास है, ठीक। तो एमएस उसको दिखाएंगे और इसके बाद बोलता है इसमें इफ रो इज द डेंसिटी ऑफ द सॉल्वेंट एंड वी द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स। और मान लो यहां पे सपोज रो, तो रो ये है, रो इज द density of solvent, rho अगर density है किसका solvent का, solvent मतलब समझ में आ रहा है जिसमें उसको घोल रहे हैं पार्टिकल को, जिसमें हम घोल रहे हैं वो हमारा है solvent। then इसमें बोलता है rho हो गया और v the volume of the solute particle, और यहाँ पे हम लोग एक छोटा v ले लेते हैं, तो v is the सॉल्यूट मतलब जो उसमें घुले, सॉल्वेंट मतलब हो गया ये मास है सॉल्वेंट का, मतलब हाँ विलायक क्या बोलते हैं सॉल्यूट का, सॉल्यूट का मास, क्योंकि एस भी नहीं कम हुआ, देखो सॉल्वेंट सॉल्यूट का मास है, लेकिन कब सॉल्यूट का मास है डिस्प्लेस्ड सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट में जब वो डिस्प्लेस्ड हो चुका है उसका मास है। जैसे किसको वाटर ले रहे हैं ऐसा,
तो वाटर में ये चीज घुला हुआ है, तो उसमें डिस्प्ले सॉल्वेंट तो सॉल्वेंट मतलब मिलाया का आ जा रहा है मतलब सॉल्वेंट होगा ना वहां पर। 5 लीटर यहाँ पे मास पर सॉल्वेंट होगा ना सर वहां पर सॉल्वेंट उसको लिखना पड़ेगा देख इज द मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड सॉल्वेंट मिलाकर पढ़ो ना मिलाकर डिस्प्लेस्ड सॉल्वेंट है डिस्प्लेस्ड सॉल्वेंट का ही सॉल्वेंट मतलब ये बोल रहा है जैसे एक कप में ये हम सॉल्वेंट डालें मान लो सॉल्वेंट है हमारा H2O ठीक है तो H2O तो ऐसा उपस्थित रहेगा अब इसमें हम लोग NS लिख रहे हैं तो ये इसका मास है लेकिन कब मास है जब ये जो सॉल्वेंट सॉल्यूट जो उपस्थित है वो जब दूर दूर उपस्थित है डिस्प्लेस्ड है तब के कंडीशन का मास है ठीक है। और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है देखो लोग इसी का इसका जो मास हो वो अलग हो ठीक है। तो यहाँ पे एक एस जो है वो किसका है जो सॉल्वेंट का डिस्प्लेस्ड मास होता है ठीक है। आगे इसमें बोलता है रो इज द डेंसिटी ऑफ द सॉल्वेंट रो क्या होता है तो डेंसिटी होता है किसका सॉल्वेंट का ठीक है। लेकिन वी जो होता है वो वॉल्यूम होता है किसका तो वो होता है सॉल्यूट का सॉल्यूट मतलब जो पार्टिकल उपस्थित है उसका ठीक है। तो इस बेसिस पर हम क्या लिख सकते हैं तो एम एस का जो वैल्यू है उसको लिख सकते हैं वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है वॉल्यूम और डेंसिटी उसके सॉल्वेंट में उसकी डेंसिटी कैसी है तो इस बेसिस पर हम लिख सकते हैं कि एम एस जो है वह इक्वल होगा किसके तो रो वी के ठीक है। क्या हो गया इसको देखो डेंसिटी सॉल्वेंट में सॉल्वेंट की डेंसिटी अब उसमें पार्टिकल आ गए तो पार्टिकल के कारण से जो परिवर्तन होगा उसी चीज को एमएस बोला है उसके क्या बोला है मास बोला है मास में जो परिवर्तन आएगा उस चीज को तो उसको हम लोग रो और वी इज इक्वल टू एम एस से उसको दिखा सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पे एम एस इज इक्वल टू हो गया हमारा रो वी बोलो ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ तो ये हो गया हमारा एम वी इसके बाद बोलता है हाउएवर द मेजरमेंट ऑफ वी इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हेंस इट इज कस्टमरी टू डिफाइन इन अ क्वांटिटी म्यू बार वी बार द पार्टिकल स्पेसिफिक वॉल्यूम। हाँ तो देखो यहाँ पे वी का डिटर्मिनेशन डिफिकल्ट होता है डिफिकल्ट होता है अतः हम स्पेसिफिक अतः हम स्पेसिफिक सॉरी पार्शियल स्पेसिफिक पार्शियल स्पेसिफिक वॉल्यूम वी बार का यूज करते हैं। देखो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिसको हम क्या बोल सकते हैं तो जिसको हम आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते। आसानी से ज्ञात कहने का मतलब ये है इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है बता इस रूम की तो इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं टेप पकड़ेंगे ये हो गया ये हो गया ये हो गया क्लियर है। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिनको हम आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते जैसे इसका वॉल्यूम बोला था तो आसानी से ज्ञात कर लिए लेकिन यह कि पार्टिकल दिया हुआ है तुमको इतना बड़ा अब उसका वॉल्यूम बताओ बोलेगा तो टेप पकड़ करके उसके अंदर तो घुस करके नाप नहीं सकते क्लियर है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे तो उसको अंदाजा लगाएंगे कि मान लो इतने बड़े में कितना पार्टिकल आया तो इतना पार्टिकल आया
ठीक है, मान लो 100 पार्टिकल है, तो 100 पार्टिकल का कितना होगा लंबाई तो नाप लीजिए। 100 पार्टिकल तो आसानी से नाप सकते हो, एक मान लो एक उंगली के बराबर है एक पार्टिकल, 100 पार्टिकल मतलब इतना बड़ा हो जाएगा, तो उसको लंबाई नाप लिया, चौड़ाई नाप लिया, ऊंचाई नाप लिया, क्लियर है। उसके बेसिस पर हम डिवाइड करके उसको ले आएंगे कि हाँ सपोज इसका एक पार्टिकल का मास कितना होगा या इसका उसका वॉल्यूम जो है कितना होगा, क्लियर है। तो वही चीज कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, एक पार्टिकल का जो वॉल्यूम है वो तो डिफिकल्ट है नापना, तो वही चीज क्या कर रहे हैं उसको पार्शियल स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है हम लोग कंसिडर कर ले रहे हैं। सिंपल सा चीज है, कॉन्सेप्ट ये है, मान लो इसकी लंबाई चौड़ाई तुम ज्ञात कर सकते हो, इसमें सब पार्टिकल्स भरे हुए बहुत सारे ऐसा, ठीक है। अब इसकी लंबाई हो गई, ये हो गई इसकी चौड़ाई हो गई, साथ ही साथ ये मान लो उसकी हो गई ऊंचाई ऐसा, ये वाला पॉइंट, तो इसका निकल गया हमारा क्या, तो इतने बड़े का वॉल्यूम निकल जाएगा कि ये वॉल्यूम इतना होता है। लेकिन यहाँ पे हमको निकालना है एक पार्टिकल का, एक पार्टिकल के वॉल्यूम को निकालने के लिए हम लोग इसका पार्शियल पार्ट लेना पड़ेगा। पार्शियल पार्ट कौन सा होता है, तो छोटा सा पार्ट ऐसा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हो, डी एक्स बाई डी जी, ऐसा एक्स मान लो इतने को तो उसका निकालेंगे, तो ये होता है हमारा पार्शियल। अब इसका वॉल्यूम निकाल कर तो वॉल्यूम होगा वी, तो जिसको हम लोग स्पेसिफिक पार्शियल वॉल्यूम या पार्शियल स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलते हैं, जिसको हम लोग वी बार से डिनोट करेंगे, क्लियर। एग्जैक्ट अगर ज्ञात कर लेते तो उसको वी लिखते, लेकिन एग्जैक्ट ज्ञात नहीं हो रहा है एक पार्टिकल का वॉल्यूम, इसलिए उसको हम लोग ले रहे हैं वी बार, ठीक है। तो अगले सेमेस्टर में है पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज करके बहुत सारा पढ़ो, टेम्परेचर भी परफेक्ट ज्ञात नहीं हो पाता, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, तो वो उस बेसिस पे उसको देखते हैं, ठीक है। फिलहाल के पार्शियल मतलब समझ में आ गया, मतलब छोटे से पार्ट के बेसिस पे हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो ये हो गया। तो इस बेसिस पे हम लोग इसको क्या दे दिए, हम लोग वी बार से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। As the increase in the volume when 1 gram of a dry polymer solid is dissolved in a very large volume of the solvent. और देखो यहाँ पे बोल रहा है कि पार्टिकल स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा जब हम स्मॉल क्वांटिटी के पार्टिकल्स को लार्ज या लार्जर वॉल्यूम या लार्जर क्वांटिटी क्वांटिटी के सॉल्वेंट पर स्मॉल क्वांटिटी के पार्टिकल्स है, इसको लिख सकते हैं ड्राई पॉलीमर पार्टिकल को लार्ज क्वांटिटी के सॉल्वेंट पर क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तब डिसॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या बोला, पार्शियल स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है बोलता है, कब इंक्रीज होगा, तो देखो इसमें बोला है स्मॉल क्वांटिटी का जो पॉलीमर पार्टिकल होगा उसको अगर हम बड़े वॉल्यूम या बड़े क्वांटिटी के जो सॉल्वेंट है उसमें घोलेंगे, इसका साइज बड़ा हो, किसका सॉल्वेंट का साइज बहुत ज्यादा हो, ज्यादा हो कहने का मतलब है पूरा मान लो एक एक चिमटी शक्कर को इतने बड़े ये टैंक है मान लो इसमें घोलेंगे, तो उस कंडीशन में जो पार्टिकल इस पार्शियल स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो ज्यादा हो इंक्रीज होगा, क्यों, तो देखो एक चिमटी को घोल रहे हैं तो क्या होगा वो घुलेगा, तो घुलेगा तो उतने ही दूर दूर बायो फोर्स के कारण जाएंगे वो, तो अब मान लो एक उसमें से एक पार्टिकल यहां पे उपस्थित है, एक पार्टिकल यहां पे उपस्थित,
अब इस रूम में मेरे को पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज लेना है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम लेना है, तो क्या करूंगा कि कम से कम दो तीन एक जगह पे उपस्थित हो ऐसा जगह लेना पड़ेगा। तो क्या करूंगा, ये देखो इतने से मतलब जितना में मैं खड़ा हूं उतने चतुर्भुज बनाऊंगा इसका, मतलब घनाभ बनाऊंगा, और इसको मैं क्या लूंगा, इसी को मैं लूंगा पार्शियल स्पेसिफिक वॉल्यूम, मतलब इतने का वॉल्यूम कितना होगा वही होगा मेरा पार्शियल स्पेसिफिक वॉल्यूम, क्लियर है। लेकिन उसी को मैं क्या कर रहा हूं, पांच बोरा को घोल रहा हूं इसे, इस इतने बड़े टैंक में क्या कर रहा हूं, पांच बोरे को घोल दिया, तो पांच बोरा घोलूंगा तो क्या होगा, उसके बैरोमेट्रिक फोर्स कम होगा और बहुत पास पास रहेंगे घुलेगा तो, क्लियर है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये देखो मान लो ये पार्टिकल कितने में हूं, तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, इतने को ही पार्शियल वॉल्यूम लेकर चलूंगा, समझ में क्लियर है ये चीज। तो जितने कम पार्टिकल लोगे, जितने कम वहां पे लिखे हैं क्या ड्राई पॉलीमर पार्टिकल्स, जितना कम हम लेंगे उसके लिए उतना ज्यादा पार्शियल स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा, ठीक है। लेकिन जितना ज्यादा हम पार्टिकल्स लेंगे उसके लिए उतना ही कम पार्शियल स्पेसिफिक वॉल्यूम, इतने जगह में हुआ जाए, समझ में। मतलब जो पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वह उसके क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, जितना कम क्वांटिटी उसका डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज्यादा, ठीक है। और जितनी ज्यादा क्वांटिटी का होगा पार्टिकल्स उसका उतना ही कम, समझ में। तो ऐसा हम लोग कंसीडर करेंगे, मान लो इसी में इसी टैंक में एक बोरा डालूंगा तो ऐसे आ जाएंगे पार्टिकल्स ऐसे, तो इस कंडीशन इतना ही मेरा क्या हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा पार्शियल, हाँ पार्शियल स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। और वही चीज मैं बहुत थोड़ा डाल रहा हूं तो क्या होंगे, ये ऐसे ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, तो पार्शियल वॉल्यूम मैं लगभग कम से कम दो आए ऐसा कंसीडर करूंगा कि नहीं करूंगा, ठीक है। तो इसके लिए देखो ये होगा पार्शियल वॉल्यूम, इतने सब का जो वॉल्यूम होगा वो पार्शियल स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो जैसे जैसे क्या होता है बोल रहा है, तो पार्टिकल की संख्या घटती जाती है या क्वांटिटी कम रहती है, इंक्रीज होता है उसका पार्शियल स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये लिख रहा है। और इस कंडीशन में देखो कम हुआ, समझ में आया चीज। तो ये ऑन प्रैक्टिकली भी हम लोग इसको दिखा सकते हैं, ठीक। आगे देखो इसमें क्या बोलता है, obviously the quantity mv bar will represent the increase in the volume obtained on adding a solute particles of a mass m, the solvent in the world, in other words equation this। तब अब देखो, तब हम इसके वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में एम बी बार इज इक्वल टू बी से दर्शाया जा सकता है। अब देखो इसका वॉल्यूम को हम लोग किसके रिस्पेक्ट में दिखा सकते हैं, तो उसका पार्शियल मोलर वॉल्यूम इनटू उसके मास के बेसिस पे हम लोग इसको दर्शा सकते, ठीक है। मतलब क्या आ गया, जो v का वैल्यू था उस जगह पे हम लोग m v बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में इस कंडीशन में इक्वेशन टू विल बी रिटर्न एस, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो इक्वेशन टू को, तो इक्वेशन टू को हम लिख सकते हैं एम एस इज इक्वल टू रो, तो रो ही रहेगा, रो से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि रो में कुछ चेंज नहीं हो रहा है।
अब उसमें चेंज हो रहा है वी, वी है वॉल्यूम, वॉल्यूम को अब हम लोग पार्शियल स्पेसिफिक वॉल्यूम के टर्म्स में लिखने जा रहे हैं, तो वी की जगह पे क्या लिख सकता हूं, लिख सकते हैं एम वी बार, ये लिख दिए। अब ये आ गया हमारा इक्वेशन थ्री। अब क्या करते हैं इक्वेशन वन एंड थ्री से, तो देखो वन और थ्री में क्या बोल सकते हो, तो रिजल्टेंट जो फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर, इसमें तो कुछ शर्म्स है नहीं, उसको जैसा कैसा रखें। इसके बाद देखो एम एस है, एम एस है, एम एस की जगह पे मैं लिख सकता हूं रो एम वी बार हो गया, और क्या है ओमेगा स्क्वायर आर, ये लिख सकता हूं हो गया। अब इसके बेसिस पर देखो क्या क्या कॉमन आ सकता है, तो यहां से देखें तो यहां से कॉमन आ सकता है हमारा एम ओमेगा स्क्वायर, और इसमें आर भी लिखा है ऊपर, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहां पे भी आर हो, ठीक है यहां पे आर हो, ठीक है यहां आर होगा तो इसका रीजन है यहां भी आर होगा, क्या होगा देखो एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉमन आ जाएगा, कॉमन आएगा तो क्या लिखोगा, क्या लिखोगे इधर क्या बचेगा, तो इधर बच जाएगा वन माइनस रो वी बार, ये बचेगा देखो ये बचेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, दोनों में है तो दोनों को कॉमन ले लीजिए, तो इसके जगह में वन माइनस ओमेगा वी बार क्लियर है, तो ये दे देते हैं इसको हम इक्वेशन, रिजल्टेंट फोर्स हमारा यहाँ पे निकल गया, रिजल्टेंट फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स कितना का है ये है, और इसको दे दो इक्वेशन फोर, ये रिजल्टेंट फोर्स के लिए हमारा इक्वेशन प्राप्त हो गया है, ठीक है चलो खींचो। एक मिनट रुकना, तो इसको भी लिख दो बी बार, इसको भी लिख दो बी बार, और ये है क्या इंक्रीजिंग वाला, और ये है क्या डिक्रीज, ठीक है। अब इसको आगे देखें क्या होता है, इसको मिटा दूं, अब इसमें देखते हैं हम लोग इसका डेरिवेटिव कितना इंट्रोडक्शन था, अब इसमें क्या करते हैं देखो, दिस रिजल्टेंट फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन विल कॉज द सॉलिड पार्टिकल्स टू एक्सीलरेट, हाँ रिजल्टेंट फोर्स के कारण पार्टिकल न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से पार्टिकल्स क्या हो गए, या सॉल्वेंट फोर्स के कारण पार्टिकल्स कौन है, सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट पार्टिकल्स एक्सीलरेट, सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो गया एक्सीलरेट होता है, इसके अकॉर्डिंग तो लॉ न्यूटन के सेकेंड लॉ के लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो है
एक्सीलरेट हो रहा है हमारा क्या, तो सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, तो एक्सीलरेट जैसे ही होगा रिजल्टेंट फोर्स के कारण, द एक्सीलरेशन इन द केस विल नॉट लास्ट लॉन्ग सिंस द मीडियम एक्सट्रैक्ट्स अ फंक्शनल फोर्स ऑन इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द सेडिमेंटेशन वेलोसिटी। पार्टिकल्स के एक्सीलरेशन के कारण मीडियम में फंक्शनल फोर्स उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। देखो अब क्या हुआ, रिजल्टेंट फोर्स के कारण से जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो एक्सिलरेट हुए, और एक्सिलरेट होने के कारण से उस पर फ्रैक्शनल फोर्स उत्पन्न हो जाता है, और जो फ्रैक्शनल फोर्स होता है, फ्रैक्शनल फोर्स सेडिमेंटेशन फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यहां से हमको रिजल्टेंट फोर्स मिल गया। अब यह रिजल्टेंट फोर्स सॉल्यूट जो पार्टिकल है उसको एक्सिलरेट करेगा, एक्सिलरेट करेगा करने का मतलब है उसको बिठाने का काम करेगा, क्लियर है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, उसको एक्सिलरेट कर रहा है, मतलब उसका बैंड फोर्स को तो घटा दिया, और उससे जो बचा वही है हमारा रिजल्टेंट फोर्स, और उसी के कारण से अब पार्टिकल क्या होंगे, एक जगह इकट्ठा होने का काम करेंगे, मतलब सेडिमेंटेशन होने का काम होगा। लेकिन यहाँ पे बोलता है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वह पार्टिकल्स को एक्सिलरेट करता है, और एक्सिलरेट करने के कारण से ही एक फ्रैक्शनल फोर्स उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और यह जो फ्रैक्शनल फोर्स है वह प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो सेडिमेंटेशन फोर्स के, क्लियर है। मतलब सीधा सीधा वो ये ना बोला कि इस रिजल्टेंट फोर्स के कारण से मॉलिक्यूल जो है वह सेडिमेंटेशन कर जाते हैं, ऐसा ना बोल करके बोल रहा है कि उसमें एक फोर्स उत्पन्न हो गया, वह फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, बोल रहा है सेडिमेंटेशन फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है, क्लियर है। तो अब एक्सेलरेट हुआ, तो एक्सेलरेट होने से ये जितने भी पार्टिकल हैं वो क्या होंगे, नीचे की ओर दबते जाएंगे, खिसकते जाएंगे, खिसक करके एक जगह में इकट्ठा होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको इकट्ठा करने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसी फोर्स को बोल रहा है फ्रैक्शनल फोर्स, ठीक है। और फ्रैक्शनल फोर्स इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द सेडिमेंटेशन फोर्स, क्योंकि सेडिमेंट हो रहा है, तो सेडिमेंटेशन फोर्स जो है वह प्रोपोर्शनल होता है इसके फ्रैक्शनल फोर्स, तो वही लिख सकते हैं हम लोग फ्रैक्शनल फोर्स इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेडिमेंटेशन फोर्स, और सेडिमेंटेशन फोर्स को लिख सकते हैं डी आर बाई डी सेडिमेंटेशन फोर्स या फिर सेडिमेंटेशन वेलोसिटी, क्योंकि इसको वेलोसिटी के बेसिस पर हम देखते हैं, तो इसलिए सेडिमेंटेशन वेलोसिटी क्या होगा, तो ये ऑब्लिक फोर्स ऐसे लिख लो, या फिर ठीक है वेलोसिटी ही उसका फोर्स बनेगा कि वह कितनी संवेग के साथ क्या करेगा, पार्टिकल्स को दबाएगा, तो वही चीज है, उसको हम लोग डी आर बाई डी टी से दे सकते हैं, मतलब आर में जो परिवर्तन है, ठीक है, वह टाइम के रिस्पेक्ट में हो, तो उसी को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन वेलोसिटी,
ठीक है, तो आर के जो परिवर्तन है उसके बेसिस पर, तो किसको हम लोग दे सकते हैं, ये देखिए किसके, तो ये होगा फंक्शनल फोर्स, फंक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके बराबर, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी के बराबर। और इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा दीजिए, हम लोग यहां से हटाओगे तो क्या होगा, इसको लिख सकते हो फ्रैक्शनल फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा एफ, एफ क्या है, तो एफ है प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, एफ यहां पे क्या होगा, तो फ्रैक्शनल या प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहां पे चार तक आया है, इसको हम लोग दे देते हैं पांच। तो सीधा सीधा है, सेडिमेंटेशन फोर्स कितने के बराबर होगा, तो वो होगा एफ डी आर बाई डी टी के बराबर होगा, फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, या फिर इसको बोला जाता है फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट, इसको एफ। The fractional force acts in the opposite direction to the resultant force when the steady state is reached. We have equation this and this. जहां पर fractional फोर्स अपोजिट होता है रिजल्टेंट फोर्स, फोर्स ए, अतः स्टेडी स्टेट इंक्रीज या बढ़ जाता है रिस्ट होता है, अतः हम इसे लिख सकते हैं कैसा, तो ऐसा देखो, इस बेसिस पे हम लिख सकते हैं ऐसा, फ्रैक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय अपोजिट है इसके रिजल्टेंट फोर्स के, तो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, ये है हमारा स्टेडी स्टेट, करेक्ट, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, डिवाइडेड में जीरो हम लोग लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट में क्या हो गया, फ्रैक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय अपोजिट है, इसलिए इसको अपोजिट लिखेंगे, या फिर इसको अगर ऐसा ना लिखे तो ये लिख सकते हैं, देखो मैं वन बाय, हाँ यही लिखेंगे, या फिर फ्रैक्शनल फोर्स इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स, ये होगा हमारा क्या, ये होगा हमारा स्टडी स्टेट रीच में होता है, रीच माने ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन ये है कि इंक्रीज वहां पे नहीं दिख सकता, ठीक है, इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, तो उसको मैं इंक्रीज लिख देता हूं, स्टडी स्टेट बढ़ गया ऐसा बोलते हैं, रीच मतलब ज्यादा होगा, ठीक है, ऑलरेडी वहां पे ज्यादा है, तब की कंडीशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स का जो वैल्यू है वो लिख देंगे, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर
और लिख सकते हैं वन माइनस रो बी बार, ये लिख सकते हैं इसको दे देते इक्वेशन सिक्स। ठीक है इधर तुम मिटा दो। अब इक्वेशन सिक्स के बेसिस पर एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं कैपिटल एस, एक क्वांटिटी है जिसको हम लोग कैपिटल एस से डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्वांटिटी क्या है, तो एस इज इक्वल टू होता है सेडिमेंटेशन वेलोसिटी, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी, या फिर इसी को बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन या फिर सेडिमेंटेशन वेलोसिटी। और इसका जो वैल्यू होता है यह होता है s is equal to dr by dt divided by omega square r। omega square r sedimentation velocity, जो कि बराबर होता है इसके, वहां पे सेडिमेंटेशन वेलोसिटी लिखे हैं जिसको डी आर बाई डी टी लिखे, ठीक है। यहाँ पे एक क्वांटिटी को दिखा रहा है जो कि होता है सेडिमेंटेशन वेलोसिटी या फिर सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, जो कि बराबर होता है कैपिटल एस इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी अपॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ठीक है नहीं सेडिमेंटेशन वेलोसिटी डी आर बाई डी यहाँ पे ये लिखा है वेलोसिटी ये है, इसकी क्वांटिटी को दिखा रहा है क्वांटिटी, यहाँ पे सेडिमेंटेशन वेलोसिटी क्वांटिटी लिखी, क्वांटिटी क्या होता है उसकी मात्रा वह कितने के बराबर होता है, वह एस के बराबर होता है, और उसकी मात्रा को हम उसके वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ओमेगा आर ओमेगा स्क्वायर आर से डिनोट करेंगे। क्वांटिटी है उसको हम लोग कैपिटल एस से दिखाएंगे
और वह कितने के बराबर होता है? वो बराबर होता है सेडिमेंटेशन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर आर के। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहां देखो तो इक्वेशन जो हमारा कौन सा है, इक्वेशन सिक्स, तो इक्वेशन सिक्स और इसको सेवन कर, इक्वेशन सिक्स में बी रिटर्न एस, इसको लिख सकते हैं कैसा? तो देखो तो इसको मैं ये लिख सकता हूं एफ डी आर बाई डी टी डिवाइडेड बाई ओमेगा आर इज इक्वल टू एम अपॉन वन माइनस वी बार रो, ये लिख सकता हूं क्या इक्वेशन, इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं, पूछ रहा हूं। देखो ये इंटू में है, इधर आएगा बटे में जाएगा, समझ में आ गया? तो ये लिख सकता हूं इसको, और इसको अलग क्यों लिख दिया, इसके बटे में एक लिखोगे तो इसका इसके साथ थोड़ा इसका इसके साथ फिर ये लिखा जा सकता है। ठीक है, अब उसको क्या लिख सकता हूं, इतने की जगह में एस लिख सकता हूं, एफ इंटू कैपिटल एस इज इक्वल टू एम वन माइनस बी रो, बस इसको मैं बस चेंज कर दिया हूं, बी बार को पहले लिख दिया हूं, रो को पीछे लिख दिया। ठीक है, और आगे क्या लिख सकता हूं, तो एस इज इक्वल टू एम वन माइनस बी रो डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, ये लिखा जा सकता है। देखो ये सेडिमेंटेशन वेलोसिटी क्वांटिटी इज आल्सो नोन एज कैपिटल एस इज सेडी Sedimentation velocity quantity is also known as, क्या बोलते हैं इसको, sedimentation coefficient। ठीक है, क्वांटिटी टर्म्स में है, क्वांटिटी के टर्म्स में है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो सेडिमेंटेशन को इटी सी। यस, और ये कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट मोलर के टर्म्स में होता है, इसके टर्म्स में मोलर। तो देखो तो इसको मोलर मास इज इक्वल टू, मोलर मास कैसे निकालोगे, एम बार एन नंबर मोलर मास, ये लिखा है, लेकिन वो मोलर मास है तो पर मोल के बेसिस पे निकालना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा एन ए को, एन ए क्या है, एवो गेवो नंबर होता है, एन ए कैपिटल एन ए क्या होता है, क्या होता है एनए, देखो एवोगैड्रो नंबर सर्च करके क्या निकालेंगे, देखो ए दिखाता है नंबर्स को और ए जो दिखा रहा है वो होता है एवोगैड्रो। ठीक है, अब देखो इसको ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखो हम लोग नॉर्मल मास लिए थे, है ना, तो नॉर्मल मास को जब हम
क्या करते हैं दोस्तों, एम इज एम को मोलर मास में लेने पर, एम को क्या, एम क्या था, नॉर्मल मास था किसका, विलायक मतलब बोलने वाला, विलायक का था, याद करो यही पे लिखा हुआ कहीं पे, एम एस था, क्या लिखे थे, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड सॉल्वेंट, ठीक है, और स्मॉल एम लिए थे किसको, तो मास ऑफ सॉल्यूट ये थे, या इसको बोले थे ड्राई पॉलीमर सॉल्यूट कर लिखे थे, क्लियर है, याद है, तो ये हो गया एम किसका, तो विलायक का, विलय मतलब सॉल्यूट का, सॉल्यूट क्या था, पार्टिकल्स था, कौन सा पार्टिकल्स था, पॉलीमर पार्टिकल्स, इसको मोलर मास में लेने पर क्या लिख सकते हो, एम का जो मास होगा वह क्या होगा, एम बार एम डिवाइडेड बाय एम ए के बराबर हम लोग इसको ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, ये है हमारा इक्वेशन 8 और ये होगा हमारा इक्वेशन 9, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 9 से क्या करोगे, s इज इक्वल टू हो जाएगा m बार a डिवाइडेड बाय n a, हो गया, और आगे क्या लिखोगे, 1 माइनस b बार रो, ये हो गया डिवाइडेड बाय x, ये आ गया हमारा इक्वेशन 10। ठीक है, चलो इसके बाद में इस इक्वेशन को, इक्वेशन 10 को और कैसा लिखा जा सकता है, तो इक्वेशन 10 को देखो तो ऐसा लिख सकते हैं, एम ए बाई एम ए इंटू एफ 1 माइनस ओमेगा बी डिवाइडेड बाय दिस, ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं, ये देखो कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये देखो ऐसा करो इनटू क्या है, तो 1 माइनस ओमेगा बाय टी, इसके नीचे में कुछ नहीं, क्या करोगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, प्लस माइनस रहता तब प्रॉब्लम था, प्लस माइनस है नहीं तो प्रॉब्लम भी नहीं, ये है ना, तो ये डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, एस इज इक्वल टू एम बार एन बाई एन ए और इन इसके साथ में लिख सकते हो 1 माइनस ओमेगा बार रो बाई एन, ठीक है, कितना लिखना समझ में आया। अब मैं क्या करता हूं, देखो तो मेरे को निकालना क्या था, मेरे को निकालना क्या था,
क्या निकालने जा रहे हो? कौन सा विधि पढ़ रहे हो? किसके लिए विधि पढ़ रहे हो? सेडिमेंटेशन प्रोसेस है, उससे क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास निकालना है, वो किसी में का हो, नंबर एवरेज मोलर मास हो या जो भी हो, ये निकालना है। तो दिख रहा है, देखो तो एम बार एन किसको रिप्रेजेंट किए थे? एम बार एन से किसको रिप्रेजेंट किए थे? कौन से मास को? नंबर एवरेज मोलर मास किए थे, तीसरा नंबर का, याद आ रहा होगा। तो क्लियर है? तो यहां से हमको किसको रखना है, तो ये क्या लिखेंगे, देखो एम बार एन इज इक्वल, इसी का वैल्यू हमको चेंज है। चलो तो क्या हो जाएगा, ये देखो मल्टीप्लाइड में है तो इधर आएगा, तो डिवाइड में आ जाएगा, एस के नीचे आ जाएगा। ये देखो ये डिवाइड में है तो इधर आएगा, तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा, तो क्या होगा? तो देखो एस एन ए इंटू एफ डिवाइडेड बाई वन माइनस बी बार रो, और यही हमारा है सेगमेंटेशन के बेसिस पे मॉलिक्यूलर मास निकालने का फॉर्मूला। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर मास निकालने का फॉर्मूला। ये इक्वेशन कौन सा जाएगा? 11। तो इक्वेशन 11 इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर एवरेज मोलर मास मॉलिक्यूलर, हाँ तो एवरेज मोलर या मॉलिक्यूलर वेट ये है नंबर एवरेज मोलर मास, मास एवरेज मोलर मास, हाँ तो मोलर मास के बेसिस पे ये जो नंबर एवरेज मोलर मास, नंबर एवरेज मोलर मास के लिए क्या लिखो? अगर ऐसा सेम लिखे हो तो बोलो, ऐसा लिखे हो, ऐसा है लिखे हो क्या कहीं पे? ऐसा लिखे हो? नंबर नहीं लिखो, इसको डिनोट करते हैं हम लोग इससे, एम बार एन। वही चीज तो है, मॉलिक्यूलर वेट वही चीज है। क्लियर है? तो ये क्या है, इसको इस बुक में लिखा है ऐसा, इसलिए यहाँ पे आया है एम एन कर। क्लियर है? और वही चीज है, इसको हम लोग बोलते हैं ये, या फिर क्या बोले हो, क्या बोल रहे हो, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिए हम लोग, तो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट फॉर फॉर किसके लिए? पॉलीमर पार्टिकल, क्योंकि किसका निकालने गए थे उसको भी देखो ना। ठीक है, किसके लिए गए थे? पॉलीमर पार्टिकल, हाँ मोलर मास एम एम एम, तो एम एम आ जाएगा यहाँ, ऐसा कर सकते। कंफ्यूजन नहीं है उसमें कुछ भी,
दोनों लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना वहां पे एम एम लिख रहे हो तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मास, हाँ ये होगा मास एवरेज मोलर, और यहाँ पे मोलर मास लिखे हैं इसलिए वहां पे एम ही होगा, एम नहीं आएगा, हाँ एम एम, ठीक है, तो एम बार एम, ठीक है, ये आ गया हमारा यहाँ पे मास एवरेज मोलर मास पारा पॉलीमर पार्टिकल्स। अब मोलर पार्टिकल्स का आ गया तो इसको इस भाग को एम एम और एम, ठीक है, तो ये हो गया, इसको और आगे लिख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन मेथड, और किसके बेसिस पे निकाले हो, तो इसको निकाले हो किसके बेसिस पर, किसके बेसिस पर निकाले हो, कौन सी मेथड, इसके आगे इसमें हल किया है, इसको देखो फॉर अ स्फेरिकल पॉलीमर्स, अगर पॉलीमर्स जो है पॉलीमर्स पार्टिकल वो क्या है स्फेरिकल है, स्फेरिकल मतलब स्फेरिकल सुनो क्या होता है, फुटबॉल देखिए, फुटबॉल देखिए वो है स्फेरिकल, स्फेरिकल पूरी तरह से सब तरफ गोल, और राउंड किसको बोलते हैं, एक राउंड एक चक्कर, ठीक है, स्फेरिकल मतलब होता है ये बॉल, ठीक है, तो स्फेरिकल अगर है कौन सा पॉलीमर, देन इसके लिए पार्टिकल्स ऑफ रेडियस, पार्टिकल ऑफ रेडियस, रेडियस ऑफ पार्टिकल, रेडियस ऑफ पार्टिकल, तो रेडियस ऑफ पार्टिकल को हम आर से दिखाएंगे, आर उसका क्या हो गया रेडियस हो गया, ठीक है, और एफ इज फ्रैक्शनल को कोएफिशिएंट, एफ क्या होता है तो फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट होता है, यहां पे जो आया है एफ, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू, यह रिलेशन रखता है इससे, तो किससे रिलेशन रखते हैं, रिलेटेड टू द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के विस्कोसिटी से अकॉर्डिंग स्टॉक, अकॉर्डिंग टू स्टॉक्स, जिसको कौन बताया था, तो स्टॉक्स ने बताया था सॉल्वेंट से, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट से जिसे स्टॉक्स के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है,
था जो कि होता है विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, विस्कोसिटी ऑफ द सॉलिड, और ये होता है न्यू क्या होती है थीटा, थीटा ये होता है विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, ठीक है थीटा, और थीटा जो होता है वो होता है विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। अब विस्कोसिटी कोएफिशिएंट जो है वह इससे रिलेशन रख रहा है, किससे, एफ से, और कैसा रिलेशन है, तो एफ इज इक्वल टू होता है, एफ इज इक्वल टू होता है 6 पाई न्यू आर, 6 पाई न्यू आर, या फिर न्यू इज इक्वल टू होता है क्या, तो एफ बाई 6 पाई आर, न्यू एफ से कैसा रिलेशन रखेगा, तो ऐसा रिलेशन एफ इज इक्वल टू 6 पाई न्यू आर होता है, या फिर ईटा आर होता है, या फिर ईटा इज इक्वल टू एफ बाई 6 पाई आर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को एफ का वैल्यू चाहिए क्योंकि उस इक्वेशन में एफ का वैल्यू है, ठीक है। तो इक्वेशन 11 इज रिटन एस, इसको लिख सकते हैं हम कैसा, तो कैसा लिखोगे, एस एन ए इंटू 6 पाई ईटा आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस b बार, ये हो गया हमारा इक्वेशन 12। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं इक्वेशन 12 के द्वारा इस फिजिकल सॉलिड मर पार्टिकल का क्या निकाल सकते हो, हाँ मास एवरेज मोलर मास कैलकुलेट किया जा सकता है, किया जा सकता है, इतना क्लियर है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम लोग इसका सेडिमेंटेशन मेथड को देखते हैं वेलोसिटी मेथड के द्वारा, ठीक है। इसको इसका मिटा देंगे, इतने में ये वाला कंप्लीट, एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है बुक में, तो एक्सपेरिमेंट तो छोड़ दो उसको, कोई सेल नहीं है इसका। अब इसके बाद कौन सा मेथड, ये पिक ना चाहिए।
बोलो इसके बाद कौन सा मेथड? बी है इसका इक्विलिब्रियम सेगमेंटेशन मेथड। देखो ये है दूसरा मेथड सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड। इसमें क्या होता है इसको इन द सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड द रोटर स्पीड इज लोअर देन इसके इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं इस मेथड में रोटर स्पीड को लोअर इतना है लोअर जो इसका लोअर है अबाउट अ टेन थाउजेंड आरपीएम में लिया जाता है। मतलब इसमें क्या होगा जो रोटर का स्पीड होगा उसको हम लोग 10,000 आरपीएम में लेकर के चले। देन द सेडिमेंटेशन विल सिटी मेथड्स वेयर द रोटर इज अ लेकिन जो इससे पहले हम लोग देखे कौन सा सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड में अबाउट हम लोग लेते हैं 6,000 आरपीएम आरपीएम यूनिट रोटेट पर मिनट रोटेशन पर मिनट नहीं रेडियन पर मिनट रोटेशन जो है वो रेडियन में नापते हैं कितना रेडियन है तो रेडियन पर मिनट ठीक है। जैसे बाइक चलाते हो बाइक में देखे हो एक्सेलरेटर देने पर कांटा मतलब तो नॉर्मल बाइक में नहीं रहता कुछ बाइक में रहता है ऐसा होते रहता है देखे हो वही आरपीएम वैसे ही इसमें रहता है इसमें कार में रहता है जैसे एक्सेलरेटर को दबाओगे क्या होगा उसके मशीन का जो रोटेशन है उतना ज्यादा घूमेगा तो उसका भी कांटा ऐसा होते रहता है ठीक है वो होता है। तो इससे पहले वाले में हम लोग कितने लिए थे तो 60,000 लेकर के चले थे अभी वाले में हम कितना ले रहे हैं तो अबाउट 10,000 ठीक है मतलब उससे 6 गुना कम ले रहे ठीक है। वेयर इक्विलिब्रियम बिटवीन अ सेडिमेंटेशन एंड डिफ्यूजन इज रीच्ड देयर इज अ नेट फ्लो जब सेडिमेंटेशन एंड डिफ्यूजन डिफ्यूजन इज रिच सेडिमेंटेशन हो या डिफ्यूजन क्या हो इज रिच रिच मतलब ज्यादा हो तो there is no ridge there is no net flow
तब तो नेट फ्लो नहीं होता है। मतलब इसमें नेट फ्लो जो है, नेट मतलब समझ में आ रहा है, नेट 10 बज रहा है, मतलब करेंट 10 बज रहा है, ठीक है। तो फ्लो का जो नेट फ्लो है वो मेजर नहीं होता है, मतलब उसमें नेट फ्लो को हम मेजर नहीं करते। कब? जब सेडिमेंटेशन और डिफ्यूजन जो है वह ज्यादा होता है, तब। सेडिमेंटेशन वेलोसिटी ज्यादा था, ज्यादा हैप्पी प्लेन है, इसमें जो हम लोग नेट जो मोलर मास होगा उसको कंसीडर नहीं कर सकते, मतलब उसके फ्लोएशन है उसको कंसीडर नहीं कर सकते। हाँ, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी है उसको कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। इसके आगे बोलता है इसमें, नाउ अकॉर्डिंग टू सिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, एक लॉ दिया गया था, लॉ एक फिक्स लॉ के द्वारा, फिक्स लॉ के द्वारा देखें, फिक्स लॉ के द्वारा देखें, लॉ ऑफ डिफ्यूजन, लॉ ऑफ डिफ्यूजन के द्वारा देखें, तो क्या देखते हैं इसमें, तो बोलता है इसमें द रेट ऑफ डिफ्यूजन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल एन क्रॉसिंग अ वर्टिकल प्लेन पर सेकेंड फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इनमें इन्होंने फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के द्वारा बताया गया, क्या बताया गया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल एन क्रॉसिंग अ वर्टिकल प्लेन पर सेकेंड, वर्टिकल प्लेन को, वर्टिकल प्लेन को पर सेकेंड में क्रॉस क्रॉसिंग करने के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, पार्टिकल सॉल्यूट पार्टिकल फ्रॉम वर्टिकल प्लेन को पर सेकेंड में क्रॉसिंग करने के लिए नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देखो क्या बोला है यहाँ पे, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वह, रेट ऑफ डिफ्यूजन वर्टिकल प्लेन को पर सेकेंड में क्रॉसिंग करने के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल को हम स्मॉल एन से दिखाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बोलना चाह रहा है, तो इसका मतलब क्या है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू होता है डी एन बाई डी, नंबर ऑफ क्या है सॉलिड पार्टिकल या सॉल्यूट पार्टिकल टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज, ठीक है।
ये पहला कॉन्सेप्ट है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके चेंज ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक है, अगला इसमें बोलता है इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ए एरिया होता है। ठीक है, ए क्या होता है, एरिया होता है, एरिया मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया को हम दिखाते हैं डी ए से। ठीक है, क्या होता है, डी ए से, और यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडिएंट सेक्शन के एंटर, यहां पर लिख लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडिएंट डी एन, जो कि होता है डी आर बाई डी सी बाई डी आर। तो इसमें कहने का मतलब क्या है, इसको देखिए। तो इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं, पहला जो कॉन्सेप्ट है वो बोलता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वह वर्टिकल प्लेन को पर सेकेंड क्रॉसिंग करने के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूट, एक सेकेंड में कितना सॉल्यूट क्रॉस हो रहा है उसको हम दिखा सकते हैं डी एन बाई डी जी से। ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना होगा, इतने के बराबर होगा पहला वाला। दूसरा वाला बोलता है रेट ऑफ डिफ्यूजन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलता है हाँ, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वह आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया को ए ले लिया और है क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन के लिए यहाँ पे ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा करके क्रॉस सेक्शन को दिखाएंगे तो ये माइनस में रहेगा, तो माइनस ए हो जाएगा। देन कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट के लिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं डी आर जी। ठीक है, क्या लिखे, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ए डी सी बाई डी आर। dc by dr क्या है, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, a जो कि माइनस से लिखा हुआ है वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया में कितना घटेगा उस चीज को, और ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो इसको देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अगर हम रेट ऑफ डिफ्यूजन को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं तब d डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, d क्या है, डिफ्यूजन को एफिशिएंट माइनस है तो इसको माइनस में लिखूंगा ए डी सी बाई डी आर, ऐसा लिख सकते हैं वेयर कैपिटल डी क्या होता है, डिफ्यूजन डिफ्यूजन को एफिशिएंट, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन दूसरा क्या हो गया, तो नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं वह पर्टिकुलर टाइम में कितना पास हो रहा है उसको डिफ्यूजन के बेसिस पर ये लिख सकते हैं। दूसरा उसमें बोल रहे हैं कि उसका जो एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसको लिख दिए हम माइनस ए डी सी बाई डी आर। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को हटाए तो यहाँ पे D जोड़ लिए, D होता है हमारा डिफ्यूजन को एफिशिएंट, तो ये आ गया। तो इस बेसिस पर और इसका यूनिट होता है डिफ्यूजन को एफिशिएंट का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। अब इसका क्या करते हैं हम लोग, अगर एरिया है उसको यूनिट एरिया पर दें
for a solute molecules flowing through unit area. जब अब यहाँ पे डेरिवेशन डेरिवेशन लेते हैं, जब पार्टिकल्स का फ्लो यूनिट एरिया के द्वारा होता है, अर्थात a इज इक्वल टू 1 मान करके चलते हैं, अर्थात यूनिट एरिया लेकर के चलते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यूनिट मान करके चलते हो तो यूनिट में देखो सेक्शनल एरिया था इसलिए माइनस वन मानेंगे उसको, सेक्शनल एरिया है इसलिए माइनस वन माने, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू माइनस डी इंटू माइनस वन इंटू डी सी बाई डी आर, ये होगा मानेंगे ए को माइनस वन मान लीजिए, तो ये हो जाएगा कि इस कंडीशन में क्या हो जाएगा डी डी सी बाई डी आर, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 से, तो 1 और 3 से क्या लिख सकते हैं, देखो तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इतना है, रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना है, तो दैट इज आल्सो इक्वल टू दिस लिख सकते हैं ना, तो डी एन बाई डी ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं डी डी सी बाई डी आर, इक्वेशन 1। Introducing the Nernst Einstein equation for diffusion. Diffusion के लिए Nernst equation देखें, तो diffusion coefficient is equal to होता है small k t divided by f. स्मॉल के टी डिवाइडेड बाय एफ, एंड स्मॉल के इज आल्सो इक्वल टू दिखा रहा है ये आर बाई एल ए, आर क्या होता है, तो ये होता है रेट सॉरी गैस कांस्टेंट और ये क्या है एल ए, तो ये होता है ए ओ एवरो नंबर, ठीक है। चलो इक्वेशन 1 को क्या लिख सकते हो, फ्रॉम
इक्वेशन वन मेन रीजन इज dN by dt is equal to d के जगह पे अब लिख दिए हम kt by f into dc by dr, ठीक है, ये लिखना समझ में आया कि नहीं। d को हटाया, उसके जगह पे kt divided by f हो गया। अब k के जगह पे r by na इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसको आल्सो लिख सकते हैं हम dN by dt is equal to RT by NA F into DC by dr, बोलो ये लिखना समझ में आया बिंदेश्वरी, आया ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, इसको दे देते हैं इक्वेशन टू। तो वो वन टू थ्री अलग है, वो ये वाला वन टू थ्री, वन टू थ्री रोमन लिखी, ठीक है, और ये वन टू थ्री अलग है, ये वन टू थ्री भी रोमन लिखी है, ये वाला हाँ, इसको भी इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी वाला ये होता है, ठीक है। तो ये रोमन लिपि नहीं है, ये हम लोग की लिपि है, देवनागरी लिपि में आता है, ठीक है, ये भी रोमन के द्वारा ही दिया गया है इसको, लेकिन ये तो वो यूनिवर्सल लैंग्वेज हो ये वन। चलो क्लियर है, ये चीज समझ में आया। अब आगे इसमें क्या करते हैं देखिए, तो द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ अ पॉलीमर सॉल्यूट इज गिवन बाय, हाँ एक इक्वेशन लिखे हो कहीं पे, तो इससे पहले वाले में क्या लिखे हो, तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू लिखे हो एम ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय एफ वन माइनस बी रो, ये इक्वेशन कहां पे लिखिए, पहले नंबर देखो बोल रहा है रो आगे अभी तो हमारे बंद हो गए, एक साइड दिख रहा हूँ, और इसको हम लोग क्या देखिए जो एक उदाहरण है, मतलब ये ऐसा लिखा होगा एफ डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू एम ओमेगा आर वन माइनस रो, ये लिखा होगा, ठीक है। इक्वेशन कौन सा है, फ्रॉम इक्वेशन सिक्स ऑफ सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड, ये लिख दिया है यहाँ, लेकिन ये कंफ्यूज हो जाए कहाँ से है, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया मैं, फ्रॉम इक्वेशन सिक्स ऑफ सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड, सी ये, ठीक है, फिर जो एक बार ओके यस। तो इसमें अब क्या करेंगे हम, तो उस इक्वेशन में ट्रीटमेंट करेंगे कुछ,
तो इस तरह से इसको लिख देता हूं मैं, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू है एम ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई एफ और है वन माइनस ये। बोथ साइड सी जो कि होता है कंसेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन कर दे देखो तो दोनों साइड सी का मल्टीप्लीकेशन करा दिया तो क्या लिखूंगा सी डी आर बाई जी टी इज इक्वल टू सी एम ओमेगा स्क्वायर आर एफ वन माइनस बी ये होगा ये लिख सकता हूं इक्वेशन थ्री। एक चीज देखें यहां पे एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पर देखें तो क्या होगा रेट ऑफ इक्विली रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। इक्विलिब्रियम पर देखें इक्विलिब्रियम किस स्टेट को बोलते हो रिएक्शन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है उसको हम बोलते हैं। तो यहां पर देखो डिफ्यूजन का कॉन्सेंट्रेशन या रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल टू हो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन अगर दोनों बराबर हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलेंगे क्या इक्विलिब्रियम। समझना क्या तो इसी के बेसिस पर रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम लोग दिखाए थे डी एल बाय डी टी से दिखाए थे यही पे देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन डी एल बाय डी टी क्लियर है इज इक्वल टू ये है हमारा क्या तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को ये लिख सकते हैं जी मुझे ये लिखना समझ में अगर ये इसके बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं देखो dn by dt dn by dt इसका वैल्यू रख सकते हैं वो वाला और इसके जगह पे रख सकता हूं इस वाले ठीक है तो From equation 2 and equation 3 से value put करने पर ठीक है value put कर दो क्या आ जाएगा बोलो तो इसका value क्या लिखा हुआ है तो देखें RT divided by NAF इंटू डी सी बाई डी आर इज ऑल्सो इक्वल टू हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर सी डिवाइडेड बाई एफ वन माइनस बी ये हो जाएगा बोलो
ये चीज समझ में आया। नहीं अभी दे रहे हैं, इसके बाद आ जाएंगे। देखो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं, नीचे आ गया एन ए एफ, बोलो ये लिख सकता हूं कि नहीं। एक और छूट गया, कौन सा क्या किया, इस साइड भेज दिया, ऊपर आएगा, ऊपर आ गया आर टी, ऊपर में है नीचे आएगा, नीचे आ गया डी आर, नीचे में है ऊपर जाएगा, ठीक है इतना समझ में है। यहां से जो जो कैंसिल हो जाएगा उसको कैंसिल कर देते हैं, तो देखो एफ एफ कैंसिल, ठीक है बचा क्या, ये जो नीचे बचा है वो और वो, ठीक है। और एक चीज तुम लोग जान रहे हो, एम इज इक्वल टू एम एम बाई एम ए, ये होता है, होता है इसको देखो तो यहाँ पे क्या है, तो इस एम ए बटे में है, बटे को इस साइड ले जाएंगे, एम इंटू एम ए इज इक्वल टू एम बार एम, ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो m मल्टीप्लाइड इंटू एन इक्वल टू एम बार एन होगा। चलो खींचे ना इसको, ये वाला खींचा क्यों करें, इसको इधर हम क्या कर देते हैं, तो उसको इक्विडिएट कर देते हैं, डी सी बाई सी is equal to m bar m omega r omega square और क्या है इधर r बटे r t into 1 minus v bar rho into d r। बोलो ये लिखना समझ में आया कि नहीं, एम एम ए का वैल्यू हो गया एम बार एम ओमेगा स्क्वायर आर हो गया, एफ कट गया है आर टी नीचे में आ गया है और ये बटे applying the partial differences, partial differences, partial differentiation apply करते हैं इस पर, तो bc by c
तो सी वन से सी इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में मिल रहा है, डी आर है, इधर क्या है डीसी है, तो डीसी के रिस्पेक्ट में हुआ, इधर डी आर है तो आर के रिस्पेक्ट में आर टू आर वन, ठीक है। और क्या रहेंगे इधर, तो एम बार एम आर टी ओमेगा स्क्वायर आर वन माइनस डीस और डी आर, ठीक है। कॉन्स्टेंट राशि बाहर आ जाती है पता है, तो देखो ये हम लोग का क्या गया लॉग सी वन बाई सी पर सी टू बाई सी सी टू बाई सी इज इक्वल कॉन्स्टेंट राशि बाहर कर देते हैं, ये है हमारा एक प्रकार से कॉन्स्टेंट, ये है हमारा कॉन्स्टेंट आर कॉन्स्टेंट नहीं डिवाइडेड बाई आर कैपिटल आर कॉन्स्टेंट है टी कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ गया। साथ में देखो वन माइनस बी टी ये भी कॉन्स्टेंट है और बचा क्या हमारा, तो इधर बचेगा आर डी आर आर डी आर आर डी आर है, तो यहाँ पे इसका जब हम डेरिवेशन करेंगे तो ये हो जाएगा सी वन बाई सी इक्वल टू एम बार एम ओमेगा स्क्वायर बाई आर टी और ये है वन माइनस वी बार रो और इधर हो जाएगा इन टू में आर टू का स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए तो ये आएगा वन बाई टू इंटू दिस डिफरेंशिएशन से ये हो ठीक है, तो ये क्या हो गया। अब देखो ये टू जो है टू को सामने ले आ सकते या सबको मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा देखो तो सी वन इज इक्वल टू ए इंटू ओमेगा स्क्वायर वन माइनस बी रो डिवाइडेड बाई आर टी, तो इसको टू आर टी कर दिया इंटू आर टू का स्क्वायर माइनस आर वन का, सबको एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख, ठीक है। इतना लिखा समझ में आया, वैल्यू हमको किसका चाहिए उसको एक साइड रख देते हैं बाकी को इधर है, ठीक है। ऊपर में है ये, तो ये वाला चला जाएगा ऊपर, तो देखो बटे में ये चला जाएगा ऊपर साइड और ये जो सारे हैं ये आ रहे हैं नीचे से, तो ये हो जाएगा देखो टू आर टी लॉग सी टू डिवाइडेड बाई सी वन बट क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर वन माइनस बी बार रो आर टू का स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर, ये लाना समझ में आया कि नहीं, इसको दे देते हैं क्वेश्चन, ये फोर था ये थ्री हो गया इसके बाद ये सिक्स, तो यहाँ पे कौन सा क्या क्या है ये पता है, ओमेगा क्या है इसका एंगुलर वेलोसिटी और बोलो
सी। तो देखो सी क्यों है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन किसका है, सी वन ये भी कॉन्सेंट्रेशन है, किसका है आर वन, किसका है क्या रेडियस ना, रेडियस, और आर टू रेडियस, ठीक है ओमेगा हो गया, ये हो गया। वी बार क्या है ये तो पता ही है, रो क्या है ये भी पता है, रो है डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और वी बार क्या है, पार्शियल स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ किसका, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का नहीं सॉल्यूट का, ठीक। हाँ और क्या बचा, आर, आर को तो लिखे है इसी में, आर क्या है गैस कॉन्स्टेंट, टी क्या है टेम्परेचर, लॉग क्या है तो लॉग तो पता ही है, ठीक है लॉग एक अप्लाइंग वैल्यू होता है। यहाँ पे क्या होता है तो ये बोल रहा है रो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन C1 इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एट डिस्टेंस R1, तो ये कॉन्सेंट्रेशन एट डिस्टेंस, एट डिस्टेंस R2 और ये होगा एट डिस्टेंस R1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ही है ये देखो C2 क्या है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है कब के कंडीशन में, जब सॉल्यूट R2 पर स्थित है, R2 डिस्टेंस पर स्थित है तब, ठीक है। C1 क्या है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ही है एक R1 डिस्टेंस पर, ठीक है। R1 क्या है, R2 क्या है, R2, R1, R2 क्या है, रेडिएशन नहीं होगा, ये डिस्टेंस होगा या रेडियस होगा, रेडियस, रेडियस एट, एट फर्स्ट, फर्स्ट डिस्टेंस और ये क्या होगा कि ये सेकेंड डिस्टेंस। R1 क्या होगा, तो नॉर्मल स्थिति में डिस्टेंस होगा उसका रेडियस होगा, और R2 क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम होने के बाद उसका डिस्टेंस क्या होगा, तो वो होगा R2। V क्या है, पार्शियल, V बार जो है पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज है, सॉरी पार्शियल मोलर वॉल्यूम होता है, और ये अब किसके बेसिस पे, m बार k क्या होता है ये तो बता चुके, m बार m क्या होता है, मास एवरेज मोलर मास फॉर पॉलीमर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन सिक्स के द्वारा क्या निकाल सकते हो, मास एवरेज मोलर मास का कैलकुलेशन इक्विलिब्रियम मेथड से किया जाता है। तो ये समझ में, यहाँ पे इक्वेशन सिक्स जो है वह मास एवरेज मोलर मास को दिखाता है, और यह कब आता है, तो यह कब आता है सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड का जब हम यूज करते हैं तब ये आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं, इसका मास एवरेज मोलर मास का किसके द्वारा, तो सेडिमेंटेशन द्वारा, या फिर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन बोला जाता है इस मेथड को, या अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में दो विधि होती है, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी मेथड और दूसरा होता है सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड, ठीक है। तो इन दोनों विधि के द्वारा जो हम लोग इसका क्या करते हैं स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आधे घंटे का छुट्टी ले लेते हैं, उसके बाद फिर शुरू करेंगे, तो जल्दी करना उस दिन, जैसे मत करना
उस दिन क्या किए थे, लेने गए थे और उस दिन पार्टनर थे।